झांझड़ के अनेकों किसानों ने अपने खेतों में लगाए कोहिनूर 555 प्रजाति के कपास के बीज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए अमजड़ तहसीलदार बबली बने सहित बड़वानी डीडीए कार्यालय में कृषि अधिकारियों को शिकायती आवेदन पत्र देकर कंपनी पर एफआईआर दर्ज करने की मुआवजा दिलवाने की मांग की है। दरअसल अंजड़ की धरती पुत्र किसानों द्वारा अपने खेतों में अच्छे उत्पादन का सपना देखकर संबंधित कंपनी का बीज अलग अलग कृषि आदान विक्रेताओं से खरीदी किया था। अन्य किसानों की यहां अन्य प्रजातियों के कपास का अच्छा उत्पादन देखकर इन सभी किसानों को एक ही तरह की प्रजाति का कपास का बीज लगाने से हुए नुकसान की जानकारी लगी। वही पीड़ित किसानों ने भारतीय किसान संघ की अंजड़ तहसील मंत्री कमल तोमर जय सिंह चौहान को अपनी पीड़ा बताई है, जिसके बाद संगठन पदाधिकारियों के किसानों ने अधिकारियों को शिकायत कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेश पाटीदार। कहाँ निवास है आपका? अंजड़। क्या समस्या आपके खेत में? समस्या यह है कि अपन कोहिनूर 555 जो बीज लिया था उसमें जर्मिनेशन अच्छा हुआ है पर पौधे की ग्रोथ नहीं है। कौन सी, कहाँ से लिया था? किस कैसे? संस्कृति एग्रो अंजड़ से लिया था। क्या रिजल्ट आ रहा है? क्या पौधा किस तरीके से हाइट करी है? पौधे की ग्रोथ भी नहीं है और माल भी नहीं है उसमें। कितने समय की फसल हो गई? ये मान लो तीन महीने की फसल हो गई। संबंधित कंपनी वाले को या दुकानदार को बताया आपने? कंपनी वाले को बताया था। क्या कहना पड़ा? आए थे, उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम गुजरात कंपनी में जा रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट होगा आपको देते हैं। कितना अपने लागत लगी है पूरे खेत में? ये लागत 11 पैकेट लगे हुए अपने। कितना खर्चा बैठा अभी तक? 11 करीब करीब अपना 2 लाख का खर्चा है। और आपके अलावा और कितने क्षेत्र में ऐसे किसान हैं जो यहाँ के? अपने अलावा 25 किसान यहाँ से अंजड़ क्षेत्र आसपास के जिन्होंने ये वैरायटी लगाई है और उनके यहाँ भी यही परेशानी? उनके यहाँ भी यही परेशानी है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे? कंपनी से मांग है कि हमको इसका मुआवजा जो उचित है वो दिया जाए।